हेलो फ्रेंड्स, वैसे मैं जनरली पेनी स्टॉक्स को कवर नहीं करता हूँ, ना ही उनको प्रमोट करता हूँ, बट आज मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहता हूँ जिसका नाम है BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी, ये वो वाली BMW नहीं है जो गाड़ी बनाती है, ये एक्चुअल में BMW है जो कि स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। और इसके मैंने आज इस वजह से चूज़ किया है क्योंकि ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। अब आप देखिए, ये कंपनी जो है आपकी, वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाती है लाइक टॉवर्स, स्ट्रक्चर्स, TMT मीन सरिया वगैरह, और पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड प्लेन, ठीक है, फ्लैट प्रोडक्ट्स बनाती है। रेवेन्यू इसका 87% कन्वर्जन से आता है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इनका एग्रीमेंट है टाटा स्टील के साथ, कंपनी इंगेज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड लाइंस ऑन बिहाफ ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड फॉर अराउंड 3 decades। 3 decades से टाटा स्टील के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। हॉट रोल्ड मटेरियल्स ये जो है, जो टाटा स्टील इनको देता है, उसको कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनाइज शीट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, कंपनी का कैपेसिटी भी अच्छी है, ठीक है, 2 lakh metric per ton पर एनम की कैपेसिटी है, ठीक है। ये सारे इसके फंडामेंटल्स थे। अब आप ये देखिए, 560 crore के मार्केट कैप की कंपनी है, केवल 500 crore से ऊपर है तो थोड़ा कंफर्टेबल है। इसका हाई है 53.1 का और लो है 21.1। अभी हम सभी को पता है कि स्टील साइकिल एक करेक्शन से गुजर रहा था, स्टील अब रिवाइव हो रहा है दोबारा। आपने देखा होगा, स्टील के सारे मेटल सेक्टर पूरा ही गिरा हुआ था, डाउन था, लेकिन अब रिवाइवल आ रहा है वहाँ पर, है ना। तो अब आप लोगों को ये समझना होगा, 24.6 की इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड भी देती है, 17 की PE रेशियो पे चल रही है, स्कोप अच्छा दिख रहा है, डेट टू इक्विटी 0.46 है, ठीक है, 0.5 के नीचे है, बेटर है। इंट्रेंसिक वैल्यू 17.8 है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पेनी स्टॉक होने के बावजूद इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 74% की है, देख रहे हैं आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 crore का है, ठीक है, ठीक है। सारे फंडामेंटल्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। स्टॉक जस्ट अपने 50 DMA के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप, इनकी सेल्स जो है वो 2019 में 162 crore थी, अभी इनकी 135 crore की रह गई है, तो थोड़ा सा कम हुई है, इसी वजह से शेयर जो है गिर रहा था। लेकिन इधर जून 2021 से अभी तक में 114 crore से 135 crore हो गई, 21-22 crore की इनकी सेल्स बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही है सेल्स कम होने के बावजूद, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन्स कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। EPS वही चल रहा है इनका, EPS भी आगे चल के बढ़ेगा ही। एसेट्स 907 crore के हैं कंपनी के पास करेंटली, कैश फ्लोज 0 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में नहीं है, गुड है। डेटर डेज देखिए 90 days हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 106 days थे। डेटर डेज मींस वही पैसा इनको जितने दिन, जब ये माल अपना निकालते हैं मार्केट में, तो कितने दिन के अंदर इनको पैसा वापस मिलता है। 321 days की इनके पास इन्वेंट्री भी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कभी भी
टाटा स्टील की तरफ से बड़ा ऑर्डर आता है या कहीं से भी बड़ा ऑर्डर आता है तो ये फुलफ़िल कर देंगे। प्रमोटर होल्डिंग्स बढ़ रही है, आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2020 में 70% थी, फिर 71 हुई दिसंबर में, फिर मार्च में 73.14 हुई, फिर जून में 73.90 हुई और अभी जून 2022 में 73.96 हो गई। और थ्रेशोल्ड लिमिट ही होती है 74.56, ठीक है। DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका स्टेक देखिए, अब 24% DIIs इसमें स्टेक होल्ड करते हैं, देख रहे हैं आप लोग, मतलब कंपनी में फ्री फ्लोट तो है ही नहीं। आप ये देखिए पब्लिक के पास केवल 2% हिस्सा है, 2% हिस्सा है केवल पब्लिक के पास, तो फ्री फ्लोट नहीं है। अब जहाँ पे जिस कंपनी में देखिए रिटेलर्स बहुत कम होते हैं उन कंपनीज़ में स्टॉक के गिरने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, पैनी स्टॉक होने के बावजूद इसमें रिटेलर्स कम हैं, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कंपनी का चार्ट, अब आप देखो अगर तो कंपनी का स्टॉक जो है आपका 9.75 से चला हुआ है, इसका लाइफ टाइम लो है 9.75 और लाइफ टाइम हाई है 44 रुपीज़, मतलब अभी हम मिडिल में कहीं पे बैठे हुए हैं। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य पूछें, बट ये पेनी स्टॉक ऐसा स्टॉक लग रहा है मुझे जो कुछ धमाल कर सकता है अगले 6 से 7 महीने में। बट हाँ, अपना पैसा है आपका तो आप अपना सोच समझ के अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के लगाएं। मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि ये स्टॉक मुझे सही सा लग रहा है, फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है, साउंड कर रहा है और जो ये जिस लेवल्स पे है ये वो लेवल्स ठीक लग रहे हैं मुझे। वैसे तो आप इसको कह सकते हैं कि फॉलिंग नाइफ है लेकिन अब ये यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है 24 रुपये के आसपास, 23-24, 23-24, 23-24, ठीक है ना। अब देखिए 23-24 के आसपास ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में है, ठीक है, 24 रुपये के आसपास इसका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सा बन रहा है, हमेशा ही बनाए देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ सर, मैं एक तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ने वाला हूँ, थोड़ी क्वांटिटी लेंगे, आप कह सकते हो 100 शेयर्स लाइक 2500 रुपीज़ फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3200, 32 रुपये तक के टारगेट के लिए मैं इसको लूँगा, 30 या 32 रुपये के लिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का, एक स्टॉप लॉस लगाइए और आप इसमें एंट्री कर सकते हैं मेरी तरह, मैं करूँगा एंट्री, धीरे धीरे करके ही लेना है। जैसे मुझे 100 शेयर्स लेने हैं तो मैं 25 से 23 तक ले करके लूँगा, ठीक है ना, अब बस लेकर जाऊँगा 30 से 32 तक के टारगेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।